हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो आज हम लोग प्लस टू के मॉडर्न्स की बुक के मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड मैट्रिसेस के बारे में। ये हमारा प्लस टू क्लास का चैप्टर है। मॉडर्न की हमने बुक से लिया है ये चैप्टर। अब मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है हमारा रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन्हें हम कॉलम ये कॉलम होते हैं और ये रो होते हैं। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, 2x3, 2x2, 3x3। हम इसे एम क्रॉस एन के ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? हमारा ऑर्डर। ओके, सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। फर्स्ट टाइप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे आपको पता है, जो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसकी ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड्स पैरेलल होती है। उसी तरह मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? जैसे हम मैट्रिक्स ले ले, कोई भी एलिमेंट ले ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3। पहले हम कॉलम को देखेंगे, फिर हम रो को देखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर होता है हमारे पास, स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, उसी तरह से हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे 2x2, इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनका ऑर्डर 1x n होता है। इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, 1, 2, 3, सो ऑन, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या होता है? 1x n। ये हमारे पास रो में होती है, सो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास कॉलम में होती है। इसे हम कैसे जिस तरह से हमारे पास कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है, उसमें हमारे पास ये डायगोनल होते हैं, उसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें, जैसे 2, -3, 1, 2, 1, 1, -1, -2, 0, उसके अंदर हमारे पास ये जो होगी, ये डायगोनल होगा। ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। जैसे कह लो, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। अगर डायगोनल की एंट्रीज इक्वल होंगी तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम आई के साथ डिनोट करते हैं और ये मैट्रिक्स क्या होती है? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये हमारे पास 3x3 के ऑर्डर में होती है और 2x2 के ऑर्डर में कैसी होती है? ये हमारे पास 2x2 के ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। और हम इसे क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। इस जीरो मैट्रिक्स मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? जीरो। उसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे? जीरो।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप्स होती हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, जो एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। जो हमारे पास अपर वाले डिजिट होंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे, और लोअर वाले जो डिजिट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो जीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स देखिए, इसमें हमारे पास नीचे वाले सारे जो डिजिट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले जो डिजिट होंगे वो जीरो होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ने हमें पिछली क्लासों में पढ़ा ही, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, ये हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब मैट्रिक्स की बात की गई है साथ में, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसमें हमें दिया होगा ऐसे, हमें क्वेश्चंस में पुट किया होगा ऐसी चीज। देखिए हमें ए स्क्वायर दे दी, जैसे हमें कुछ फाइंड करने को दिया, इस तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 3A, एक्सरसाइज 3A में यूज़ भी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स होती हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो इस मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल होगा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे इस मैट्रिक्स में। फ्रेंड्स ये थे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।